हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा, अपनी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपने गेम के न्यू अपडेट में कितने नए व्हीकल्स ऐड हुए हैं एंड उन सभी के चीट कोड्स बताने वाला हूँ, और अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में सिटी में हमें क्या चेंजेस नए देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ आप सभी को इसी वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ न्यू अपडेट की। हाँ तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपडेट की जानकारी देना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दो प्यारा सा लाइक एंड अपने यूट्यूब चैनल सिन्नू गेमर को कर लो सब्सक्राइब ऐसे गेम्स की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गेम के जितने भी व्हीकल्स ऐड हुए हैं अपने गेम में तो उनके चीट कोड्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे अपने गेम में जो भी बदलाव किए गए हैं सिटी के अंदर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह के तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गेम के अंदर हमें फायर ट्रक देखने को मिला है, ट्रक में ट्रोला भी ऐड कर दिया गया है, न्यू फॉर्च्यूनर लेजेंडर देखने को मिली है। तो ये अपने गेम के अंदर व्हीकल्स ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं अपने गेम के अंदर नाइट मोड का चीट कोड। जैसे हम नो टाइप करेंगे एंड उसको डायल करेंगे, डायल करने के बाद में अपने गेम के अंदर नाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो अपने गेम में अब हमें नाइट मोड डे मोड से भी काफी अच्छा लगता है, और हमारे गेम के अंदर हमें नाइट मोड में चंद्रमा भी देखने को मिलता है आसमान में एंड तारे भी देखने को मिलते हैं, एंड आसमान का जो कलर है वो भाई काफी गुड लुकिंग ब्यूटीफुल बहुत ही मस्त है। तो चलो अब बात करते हैं दोस्तों हम फायर ट्रक के चीट कोड के बारे में, जो कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये फायर ट्रक का चीट कोड बताने वाला हूं आप सभी को। वैसे तो दोस्तों फायर ट्रक आग बुझाने में काम आता है, लेकिन मैंने अभी इसको ब्लास्ट कर दिया। चलो अब मैं आप सभी को इसका चीट कोड बता देता हूं। तो जैसे हम अपने फोन को बाहर निकाला एंड उसमें 606 डायल करा, तो आप सभी को जैसे 600 डायल करेंगे, मतलब 606 डायल करेंगे तो आप सभी को ये फायर ट्रक देखने को मिल जाएगा। तो फायर ट्रक यार काफी अच्छा लगा, इसका जो लुक है वो काफी अच्छा लगा मेरे को। तो अब बात करते हैं इसके कलर कस्टम के बारे में। कलर हम इसका कस्टम कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड मैंने इसको RGB में करके देखता हूँ। RGB में भाई ये काफी अच्छा लगा दोस्तों। इस नाइट मोड में ये फायर ट्रक को जैसे ही मैंने RGB कलर में चेंज किया तो काफी आकर्षित एंड बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड OSM लग रहा है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। आप सभी को कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और हाँ दोस्तों, आप सभी कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई आप लाइव स्ट्रीम कब करने वाले हो, तो लाइव स्ट्रीम हमारी 20 अगस्त संडे के दिन दोपहर को होगी। तो आप सभी दोस्त अपनी लाइव स्ट्रीम में जरूर ऐड होना। लाइव स्ट्रीम में मैं आप सभी को सीक्रेट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ और एंड न्यू चीट कोड्स भी बताऊंगा लाइव स्ट्रीम में, तो सभी जरूर जुड़ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट चीट कोड के बारे में। अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम नेक्स्ट व्हीकल्स चीट कोड के बारे में। जैसे हम अपने फोन को बाहर निकालेंगे एंड अपने फोन के अंदर हम डायल करेंगे 1001। जैसे ही हम अपने फोन के अंदर 1001 डायल करेंगे तो हमें फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल लेजेंडर देखने को मिलेगा एंड अपने गेम के अंदर हमें जो फॉर्च्यूनर देखने को मिलती थी वो भी अपने गेम के अंदर उसको रिमूव नहीं किया गया। उसका चीट कोड तो आप सभी को पता होगा 1000। जैसे 1000 डायल करेंगे तो हमें फॉर्च्यूनर देखने को मिल जाएगी। तो अब आप सभी देख सकते हैं दोनों फॉर्च्यूनर में कितना डिफरेंट है। एक तो ये वाली तो है लेजेंडर और ये वाली है सिंपल फॉर्च्यूनर, जो कि काफी अच्छी लगी मेरे को भाई, लेजेंडर काफी अच्छी लगी। और आप सभी को इन दोनों फॉर्च्यूनर में से कौन सी बेस्ट लगी वो आप सभी कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट चीट कोड के बारे में। ये तो आप सभी को पता है, जैसे ही हम 12-12 डायल करेंगे तो अपने फोन के अंदर हमें सिंपल ट्रक देखने को मिलता है, ना कि इसके अंदर हमें कोई ट्रोला ट्रोली देखने को मिलता है। अब अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में हम जैसे 0-12-12 डायल करेंगे तो फाइनली अपने ट्रक के अंदर हमें ट्रोला भी देखने को मिलेगा। इस ट्रोले के अंदर हम कोई भी व्हीकल्स भी लोड कर सकते हैं दोस्तों। हम ये न्यू वाली ट्रक ट्रोला को हम कस्टम कर सकते हैं, मतलब कलर मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कलर मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी आता है हमारे पास एंड हम जो ओल्ड हमारा ट्रक था हम उसको भी कलर कस्टम कर सकते हैं। मैं RGB में कर लेता हूँ, RGB में काफी अच्छा लगता है यार मेरे को एंड हम ये जो न्यू वाली फॉर्च्यूनर है लेजेंडर इसको भी कलर कस्टम करके चेक करते हैं। देखो इसको भी हम RGB में चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात तो है, मैंने जितनी व्हीकल्स को RGB मोड में चेंज किए हैं नाइट मोड के अंदर तो ये देखो कितनी अच्छी लग रहे हैं। तो मैंने जैसे ही इसको डे मोड में एक्टिवेट किया है अपने गेम को तो ये देख सकते हैं आप, ये RGB कलर में व्हीकल्स कितने अजीब से लग रहे हैं। वैसे अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन जो नाइट मोड में अच्छे लग रहे थे इतने अच्छे इस मोड के अंदर नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को अपने गेम के न्यू अपडेट में जितने भी व्हीकल्स ऐड हुए थे उन सभी के चीट कोड्स बता दिए। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में सिटी के अंदर क्या क्या बदलाव किया गया। जैसे अपने गेम के अंदर नाइट मोड हम एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले हम विलेज एरिया के रिव्यू बताते हैं आपको। विलेज एरिया में हमें कुछ इस प्रकार से व्यू देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल रियलिस्टिक की तरह लगता है। रियल जो नाइट होती है उसी प्रकार से ये नाइट देखने को मिलती है। एंड अब हम विलेज एरिया लोकेशन से बाहर चलते हैं और सिटी एरिया लोकेशन से भी थोड़ा बाहर चलते हैं, फिर आप सभी को बाहर से व्यू बताते हैं अपने विलेज एरिया एंड सिटी एरिया का व्यू बाहर से किस प्रकार से देखने को मिलता है। भाई काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो पहले मैं यहीं गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ। अब आप सभी देख सकते हैं फ्रंट में देखिए आप कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, बिल्कुल एक दुबई शहर की तरह लग रहा है। सच बताऊं ना तो दोस्तों मुझे डे मोड से ज्यादा नाइट मोड अच्छा लगने लगा है, बिल्कुल एक रियलिस्टिक
सिटी बिल्कुल लग्जरी सिटी की तरह लग रहा है। यहाँ से देख सकते हैं बाइक कितना, देखते ही जाओ मन ही नहीं भर रहा यार, यहाँ खड़े रहने और देखने का ही मन करता है। एंड हम यहाँ से देख सकते हैं भाई आसमान का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। एंड अभी चलते हैं हम दूसरी लोकेशन पे, बताते हैं आपको नाइट मोड में भाई बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अब बात करने वाले हैं दोस्तों अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में हमें क्या नया देखने को मिला है। देखो कुछ खास तो नया देखने को नहीं मिला, लेकिन अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में जैसे ही हम नाइट मोड को एक्टिवेट करेंगे तो हमें रेलवे स्टेशन में कुछ इस प्रकार से लाइट्स देखने को मिलेगी। एंड अपने गेम का जो पहले नाम था कल्याण जंक्शन, ठीक उसी प्रकार से अभी भी हमारे रेलवे स्टेशन का नाम कल्याणी जंक्शन है। और जो ट्रेन हमें पहले देखने को मिलती थी ठीक वही ट्रेन हमें अब देखने को मिल रही है अपडेट के बाद में। अब दोस्तों दूसरी लोकेशन में मैं आ चुका हूँ, वो लोकेशन आप सभी देख पा रहे हैं, ये है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का तो आप सभी को पता होगा, एयरपोर्ट पे हमें लाइट्स भी देखने को मिल रही है जो कि काफी अच्छी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से सिटी का व्यू भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड हमारे गेम के न्यू अपडेट के बाद में यहाँ पे कुछ बदलाव तो नहीं किए गए, मतलब जो एरोप्लेन देखने को मिलते थे वैसे के वैसे हमें अभी भी बड़े एरोप्लेन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ से सिटी के व्यू की बात करें तो जो कि काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ तो दोस्तों अपने गेम के न्यू अपडेट के बाद में नाइट मोड का फुल सिटी व्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आप सभी को ये अपडेट वीडियो कैसी लगी एंड अपने गेम का ये न्यू वाला अपडेट में आप सभी को बेस्ट अपडेट क्या लगा वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना प्यारा सा लाइक एंड अपने यूट्यूब चैनल सिन्नू गेमर को कर लेना सब्सक्राइब। और दोस्तों अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में और नया क्या चाहते हो आप सभी, तो वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना दोस्तों। तो मिलता हूँ आप सभी से जल्दी नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।